हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉम नोज़। दोस्तों, हर कोई छोटा हो या बड़ा, उनके लिए संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन काफ़ी ज़रूरी होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, मेंटल ग्रोथ के लिए भी, मेंटल अच्छी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि हम अच्छा व्यंजन, अच्छा फूड खाएं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मखाने, जो बच्चों के लिए काफ़ी बेहतरीन फूड होता है। पर मखाने को लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही थी हमारे पास, क्योंकि हमने ऑलरेडी मखाने पर वीडियो शेयर की हुई है और आपने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था। तो उसमें काफ़ी क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि मैम, मखाना बच्चों को खिलाना कौन से मंथ से शुरू कर सकते हैं, क्या रेसिपीज है, काफ़ी कॉमेंट्स थे। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू मखाना बच्चों के लिए। इसमें हम कवर करेंगे कि बच्चों को मखाना खिलाना सेफ है या नहीं है, किस महीने से आप बच्चों को मखाना देना शुरू कर सकते हो, अगर 6-7 महीने से शुरू करें तो किस फॉर्म में आप देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, किस तरीके से देना है, साथ ही साथ बच्चों के लिए मखाने के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, साथ ही साथ इसके साथ मखाने को आपको मखाने से क्या नुकसान भी हो सकते हैं, कि हर चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है, तो किस तरीके से अगर खिलाओगे तो बच्चे को नुकसान भी करेगा, और साथ साथ बच्चे को मखाना का जो आप ले रहे हो उसका चयन कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, एंड बच्चों के लिए मखाने से बने व्यंजन। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत मेन मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि मखाने को गॉर्गन नट, लोटस सीड, फॉक्स नट और फूल मखाने के नाम से जाना जाता है। तो ये कहीं नाम आपको सुनाई दे तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, ये मखाना ही है जिनके अलग अलग नाम है। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट व एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके सेवन से बच्चों का पाचन तत्व भी काफ़ी हद तक सही रहता है और दस्त जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों को मखाना आप कब से देना शुरू कर सकते हो। तो आपको 206 महीने से हम दालें वगैरह देना शुरू करते हैं, दाल का पानी, क्योंकि वो पचाने में इजी रहता है। तो मखाना भी काफ़ी लाइट वेट रहता है, पचाने में इजी रहता है। तो आप बच्चे को 6 मंथ तक माँ का दूध दे, 6 मंथ के बाद दाल का पानी जब थोड़ा थोड़ा शुरू कर चुके होते हो, तो अब 6 मंथ थोड़ा खत्म होने वाला हो, 7 मंथ से आप बच्चों को आराम से मखाना दे सकते हो, कोई दिक्कत बच्चे को नहीं आती है। अब बात करते हैं बच्चों को मखाना कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में देना है। तो हर शिशु का दोस्तों शरीर अलग अलग होता है, उसकी पाचन शक्ति अलग अलग होती है। तो आप बच्चों को 7 मंथ से दे रहे हो तो आप उसको मखाना डायरेक्ट नहीं दोगे, क्योंकि मखाना वैसे ही सॉफ्ट होता है। तो आपको उसको पाउडर के फॉर्म में करना है, हल्का सा मखाने को रोस्ट कर लेना है, उसका पाउडर बना के रख लेना है। स्टार्टिंग में बच्चे को आप आधी टेबल स्पून से देना शुरू करें, फिर धीरे धीरे 1 चम्मच पे आएँ, देखिए बच्चा डाइजेस्ट कितना कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप स्पून बढ़ा सकते हो। 1-2 साल के बच्चे को आप एक कटोरी, छोटी कटोरी से भर के भी मखाना दे सकते हो, वो पचा सकता है। पर आपको स्टार्टिंग में देखना है कि उसका डाइजेशन मखाने को लेकर के कैसा जा रहा है, अगर सही है तो आप मखाने की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं मखाने में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो इतना अच्छा फूड, इसको हेल्दी फूड माना जाता है, क्योंकि व्रत में भी लोग मखाना खाना प्रेफरेंस करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं मखाने में? तो दोस्तों, 100 ग्राम मखाने में करीब 300 कैलोरी की मात्रा मौजूद होती है। इसके बाद अगर बात करें प्रोटीन और फैट की, तो 100 ग्राम मखाने में 15 से लेकर के 2 ग्राम तक के इसमें प्रेजेंट है। पोषक तत्वों के अलावा 100 ग्राम मखाने में कार्बोहाइड्रेट 35 ग्राम के आसपास, कैल्शियम 163 ग्राम के आसपास होती है। मखाने में पाए जाने वाले अन्य जितने भी अच्छे पोषक तत्व हैं, सोडियम, आयरन काफ़ी अच्छा है, जिस बच्चों को आयरन की कमी है उनकी डाइट में भी आप मखाने को डाल सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि हम व्रत में भी मखाने खाते हैं जिससे हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो बच्चों को मखाना उनकी डाइट में देते हो तो वो बच्चे भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं सारा दिन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इससे अब क्या बेनिफिट्स होंगे आपके बच्चे को। तो ये शारीरिक और मानसिक विकास के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। मखाने में फॉलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, जो मेन चीज़ ज़रूरी है बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए, वो सारे कुछ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों में एनर्जेटिक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बच्चे को अच्छी नींद प्रोवाइड करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चों के जो डाइजेशन का पार्ट है उसको भी अच्छा करता है। अब किस केस में बच्चे को मखाना नुकसान कर सकता है दोस्तों? तो बच्चे को पेट दर्द की समस्या, एलर्जी अगर होगी तो उसमें नुकसान कर सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में मखाना देने से, क्योंकि मखाना जो है वो फाइबर से भरा होता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में देने से भी उसको गैस, पेट दर्द की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही देना है।
अब बात करते हैं कि मखाने को चूज़ कैसे करें, कौन सा सही है, कैसे स्टोर करें, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है तो उसमें मखाने को कैसे स्टोर किया जाए। तो मखाना ख़रीदते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मखाना बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि पुराने मखानों के अंदर कीड़े भी लगते हैं। आप सील पैकेट ना ले, अगर सील पैकेट ही ले, सील पैकेट अगर ले रहे हो तो आप उसका वो चीज़ चेक कर लो, एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद ही आप मखाना पैकेट वाला ले। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि मखाने में किसी भी तरीके की नमी ना हो, उसको बीज से काट के देख लें, उसमें किसी तरीके की कीड़े ना हो, बिल्कुल साफ सफ़ेद रंग का हो तो ही वो मखाने आप ले और उसको उसको भून करके आप एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो। अब बात करते हैं कि स्टोर करना है तो आपको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना है। मखाने को फ्राई करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर स्टोर कर सकते हैं। अब जब मन चाहे बच्चे को स्नैक्स के फॉर्म में दे सकते हो। मखाने को कभी फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना है, क्योंकि फ्रिज में मखाने रखने से मखाने नरम और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको मखाने फ्रिज में ना रख करके बाहर ही रखना है। बस आपको उसको एयरटाइट कंटेनर में फ्राई करने पर हल्का नमक डाल करके रख देना है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज़ कि बच्चे को मखाना देना कैसे, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि चलो ये तो समझ आ गया कि हल्का सा थोड़ा सा घी डाल के आप उसको फ्राई करके छोटे बच्चों को दे सकते हो। पर आपको दोस्तों पता है कि मखाने की आप खीर भी दे सकते हो, जो काफ़ी हेल्दी रहती है, बच्चों के वेट गेन में भी काफ़ी हेल्प करती है और वैसे भी ग्रोथ में काफ़ी मदद करती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मखाना लेना है, 2 कप दूध ले लीजिए, 1 कप मखाने में 2 कप दूध लीजिए, उसमें आप चीनी मिश्री डाल सकते हो, गुड़ का पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा इलायची पाउडर डाल दो, उसको बिल्कुल जब मखाना फ्राई कर लो उसका पाउडर बना लो, और जब दूध उबलने लगे तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के उसको सिम पे आप उसको थोड़ी देर कुक करोगे, देखो कि अच्छी सी खीर आपकी तैयार हो जाती है। चीनी डाल करके आप उसको जो भी मिश्री दे रहे हो डाल करके आप बच्चे को सर्व कर सकते हो। इसमें आप चाहो तो ड्राई फ्रूट पाउडर भी डाल सकते हो, ठंड का टाइम है थोड़ा केसर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप बना के दोगे ना दोस्तों, बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी जल्दी डेवलप हो जाएगी और उनका वेट गेन भी काफ़ी अच्छे से होगा। इसके साथ साथ आप एज अ स्नैक आप उनको बना के दे सकते हो, हल्का सा आप घी डाल करके मखाने को रोस्ट कर दो, उसमें पीनट फ्राई करके डाल दो, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दो, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी डाल करके उसको अच्छे से सॉटे करके दोगे ना दोस्तों, वो बहुत शौक से खाएंगे। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे को नुकसान करेगी, बल्कि उनको हर चीज़ में हेल्प करेगी, उनकी ग्रोथ में, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, उनको एनर्जेटिक प्रोवाइड करने में, उनकी ग्रोथ, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कराती है। प्रोटीन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है मखाने में, तो आप ये डेफिनेटली बच्चों को दीजिए, जैसे भी फॉर्म में आप दे सकते हो दीजिए, काफ़ी हेल्प करता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई है आपके मन में मखाने को लेकर के, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको देंगे, ताकि आप जल्द से जल्द बच्चों की डाइट में मखाना देना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।